अगर ऑर्डर जीरो या वन नहीं है तो यूनिट कैसे निकलेगी? तो मैं ऐसे याद रखो, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, ये होती है रेट की यूनिट, और पर सेकेंड, कंसेंट्रेशन पर टाइम होता है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। रेट की यूनिट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर होता है, तो आई कैन पुट इट एज मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन की यूनिट, उसकी पावर ऑर्डर रख दू। कनिष्का यहां कर रहे हो, अब मोल यहां पे वन और यहां से ओ, तो यहां पे लिख सकता हूं वन माइनस ओ। अच्छा यहां पे के इधर है, उत्तर लिखे जाते हैं उसको, के की यूनिट निकालनी है, तो के की यूनिट निकालने के लिए आई कैन पुट मोल पर लीटर, और नीचे क्या आ जाएगा? अच्छा मोल की पावर ऑर्डर माइनस ओ, ये ऑर्डर जो ये पावर आई है ये मोल के ऊपर और लीटर इनवर्स के ऊपर आ गई। समझ आया ये? नहीं आ रहा? देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है रेट, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट, अच्छा ये के इधर होना चाहिए था यार, गलती कर रहा हूँ। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है, रेट यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के ऊपर क्या आएगा? ऑर्डर ओ। ठीक है, तो अब अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है, के की, तो के की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में मोल पर लीटर की पावर ओ ऑर्डर। ठीक है, तो एक सिंपल सी फॉर्मूला ये बन जाएगा, मोल की पावर वन माइनस ऑर्डर, लीटर की पावर माइनस ओ प्लस वन। ठीक है, और सॉरी हाँ ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी वन माइनस ओ, ये ओ माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट बोल दिया जाए, सेकेंड ऑर्डर की निकालो, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन वो निकालो यूनिट, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम लिख सकते हो मोल वन माइनस टू, मोल इनवर्स, टू माइनस वन लीटर और सेकेंड। अगर मैं बोलूँ ऑर्डर है 3/2, कैन यू फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? ऑर्डर गिवन है 3/2, यूनिट टू कौन, यूनिट निकालो इसकी, व्हाट विल बी द यूनिट? इफ ऑर्डर इज 3/2, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के आया होगा मोल माइनस 1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। ये आया गुरप्रीत? सेकेंड वाले में देखते हैं, 2a + b गोज टू a टू b। ठीक है, रेट इज इक्वल टू, ये गिवन है, k गिवन है, कैलकुलेट इनिशियल रेट व्हेन a इज इतना एंड b इतना, कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन।